तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लोग आए हैं एक और नई वीडियो में, जिसमें हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग एक नए ड्रोन की, जो कि होली स्टोन कंपनी का है। और इस ड्रोन का नाम है HS210। और इसके साइड में इसके डिस्क्लेमर्स लिख रखे हैं, ये आप देख सकते हैं। और पीछे यहाँ पर लिखा है कि ये कहाँ पर बना है। और ये आपको कम से कम 1600 या 1700 में मिल जाएगा। तो चलो हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। मैं इसे पूरा एक बार खोल लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमने अपने ड्रोन को खोल लिया है और हमने इसको अपने बॉक्स में से भी बाहर निकाल दिया है। और ये आती हैं हमारी सबसे पहले एसेसरीज, एक्स्ट्रा फैंस हैं और एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। और यहाँ पर एक ये जो है हमारी चार्जिंग है। यहाँ पर हम अपनी बैटरीज जो हैं यहाँ पर इसे यहाँ पर हम लगा सकते हैं, वो मैं आपको आगे दिखा दूंगा कैसे इंसर्ट करना है। और पीछे एक कार्ड है और इसे हम यहाँ पर रखते हैं। तो ये हमारा ड्रोन है, तो इसे हम खोलते हैं। यहाँ पर हमें ड्रोन मिला है और ये बिल्कुल ही लाइट वेटेड है। और यहाँ पर इसका हेड है और वो उसकी टेल है। ये इसकी टेल है और ये हेड है, तो बहुत ही अच्छा कलर कॉम्बिनेशन भी है। और यहाँ पर इसकी बैटरी इंसर्ट होएगी जहाँ पर ये चलेगा। तो पहले हमको बैटरी भी चार्ज करनी पड़ेगी और मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से दिखा दूंगा ये कैसे उड़ेगा। और यहाँ पर साथ में दी गई हैं तीन बैटरीज, और एक बैटरी कम से कम 10 मिनट आराम से चल सकती है अगर ये फुली चार्ज हो। तो यहाँ पर हमें 3 बैटरीज दी गई हैं, इन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये है हमारा रिमोट कंट्रोल और ये है हमारी जॉयस्टिक्स। और ये जॉयस्टिक से ये इधर उधर जाएगा और ये वाली जॉयस्टिक से ये आगे और पीछे होएगा। और इससे ये घूमेगा, ऊपर जाएगा। अगर आपको ऊपर लेकर जाना है तो ऊपर ऐसे जाएगा, अगर नीचे लेकर जाना है तो इसे नीचे करना पड़ेगा। और ये है हमारा लैंडिंग और फ्लाइट का बटन, इससे फ्लाइट भी हो जाती है और लैंडिंग भी। और ये है हमारा स्पीड वाला बटन, अगर फर्स्ट लेवल पे ये स्लो होता है और सेकेंड लेवल पे ये मिड फ्लाइट में आ जाता है और थोड़ा सा तेज़ होता है। और थर्ड में ये बिल्कुल ही फास्ट हो जाता है, जो कि अगर आप ड्रोन उड़ाने में प्रोफेशनल हो चुके हो तो आप थर्ड लेवल को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो फर्स्ट लेवल को ही यूज़ करें। और ये वाला जो बटन है, इस पे लिखा ही है कि ये फ्लिप का बटन है, तो आप ध्यान से देख लो, यहाँ पर फ्लिप लिखा है। और ये जो बटन है ये हमारे ड्रोन को एक 3D फ्लिप यानी कि रोटेशन इसकी करवा सकता है। जब ड्रोन मतलब है कि जब ड्रोन ऐसे उड़ रहा होगा तो ये ऐसे फ्लिप मार सकता है, ऐसे ऐसे फ्लिप मार सकता है। तो ये हर एक साइड में फ्लिप मार सकता है, इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी। और ये आपको बस फ्लिप का बटन दबाना है और ये वाली जॉयस्टिक को जिधर को करोगे तो उस साइड को ये फ्लिप मार देगा। तो यहाँ पर आती है हमारी एसेसरीज जो मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। सबसे पहले तो हमारा आ जाता है स्क्रू ड्राइवर, जो कि रिमोट को पीछे से खोलने में काम आ जाएगा। और यहाँ पर आता है हमारा चार्जर, तो यहाँ पर हम उनको चार्जर्स को जो बैटरीज हैं उनकी हम लीड यहाँ पर लगा सकते हैं और इसे एक अडॉप्टर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप के साइड पर। और ये उसका कैप है। और यहाँ पर है हमारा कार्ड, यहाँ पर लिखा है कि बैटरीज को आपको क्रश या कुछ और नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर दिए गए हैं हमें एक्स्ट्रा फैंस, कि अगर आपका कोई भी फ़ैन ड्रोन का ख़राब हो जाए तो आप इन फैंस को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर है हमारा टूल, आप इस टूल को फैंस को बाहर निकालने के लिए या अंदर डालने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आता है हमारा इंस्ट्रक्शन मैनुअल, तो ये हमारी इंस्ट्रक्शन मैनुअल की बुक है। और ये जो बुक है इसके अंदर बताया गया है कि इसे ड्रोन को ऑपरेट कैसे करना है। और
इसे कैसे चलाना चाहिए और कौन सा बटन क्या काम करता है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर देना और कोई कमेंट भी कर देना अगर आपको कुछ ना समझ आए। तो मैं इन बैटरीज को चार्ज कर लेता हूँ और इनके पैकेट्स में से इन्हें बाहर भी निकाल लेता हूँ। तो हम अब आपको इसको उड़ा कर दिखाएंगे और इसका बिल्कुल ही इसके फीचर्स बताएंगे अच्छे तरीके से, ये क्या क्या कर सकता है उड़ने वक्त और ये कितनी स्पीड में जा सकता है। और चलो हम इसे एक बार उड़ाते हैं। तो यहाँ पर आता है हमारा ड्रोन। तो इसके पीछे है जगह जहाँ पर हम अपनी बैटरी को इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से अपनी बैटरी को इंसर्ट कर देंगे। तो ये होगी इंसर्ट और यहाँ पर ये एक प्लग टाइप से सॉकेट है जहाँ पर हम इसे ऐसे अंदर डाल देंगे। तो इसे ऐसे डालेंगे तो इसके अंदर से कुछ लाइट्स आने लग जाएंगी। तो यहाँ पर इसके अंदर अब लाइट्स आने लग गई हैं। तो यहाँ पर ये जो ग्रीन लाइट है इसका हेड है, मैंने पहले भी बताया था। और यहाँ पर हम इसके स्विच को ऑन करेंगे। तो ये हो गया ऑन। अब इसे कनेक्ट करने के लिए हमें दोनों जॉयस्टिक्स को हिलाना पड़ेगा। अब एक आवाज़ आई है जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि ये कनेक्ट हो गया है। और जैसे ही इसकी लाइट ब्लिंक करने से हटेगी इसका मतलब है कि ये कनेक्ट हो गया। तो चलो हम इसे एक बार उड़ाते हैं। तो इससे हमने इसे करा ऑन और इससे हम करेंगे इसे ऊपर। तो ये ड्रोन हमारा उड़ने लग गया। तो इसे हम आगे पीछे कर सकते हैं लेफ्ट जॉयस्टिक से, सॉरी राइट जॉयस्टिक से, और ऊपर नीचे कर सकते हैं लेफ्ट से। तो ये देख लिया आप एक बार पास से, ये देखो। तो ये एक मिनी ड्रोन है और इसमें कैमरा तो नहीं है, ये बिना कैमरा के ही है। और इसके एक बार मैं फ्लिप करके दिखाता हूँ। तो ये हुई फ्लिप, ये बहुत अच्छी फ्लिप मार लेता है। तो ये जो फ्लिप होती है ये अपने आगे वाले पंखों को स्लो करके मारता है। तो जिस साइड को आप राइट जॉयस्टिक को हिलाओगे तो उस साइड को ये फ्लिप कर लेगा, लेकिन आपको पहले राइट बटन को दबाना पड़ेगा जो ऊपर होता है ऐसे। तो इसे अगर हमने लैंड करवाना है तो हम इसे अपने उसी बटन से जो हमारा ये वाला बटन था इससे हम लैंड करवा सकते हैं। तो एक बार यहाँ पर देख लो। तो इसे अब हम एक बार लैंड करवा देते हैं। तो ये हो गया लैंड। तो अब बताना आपको कैसा लगा ये ड्रोन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।